खबर रीवा से है, जहां क्षेत्र में बिजली पानी की भीषण समस्या के समाधान को लेकर महुगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना सैकड़ों पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार और उनके विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता बिजली पानी सड़क जैसे मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। समूचे विधानसभा क्षेत्र में महुगंज विधायक उनके विधायकी काल की पुरानी बिल्डिंगों की पुताई कराकर लोकार्पण करने में लज्जा नहीं महसूस कर रहे। हाथों तब हो जाती है जब पिपराही में कलेक्टर एसपी से मिलकर यहां के विधायक सांसद केंद्रीय मंत्री को लेकर पिपराही में जाकर लोगों को दिखाने के लिए आवास योजना पुरानी बिल्डिंगों का लोकार्पण का प्रोपेगेंडा करते हैं। महुगंज विधायक ने क्षेत्र के विकास के नाम पर कुछ किया नहीं, तो इसी बहाने कुछ बताने के लिए सिविल अस्पताल महुगंज के अधूरे भवन के लोकार्पण के लिए लालायित हैं। पता चल रहा है कि वो 25 अप्रैल को लोकार्पण की तैयारी में लगे हैं, चाहे वो भले ही गुणवत्ता विहीन होकर तैयार क्यों ना हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा। हम भी जनता के साथ आएंगे, देखेंगे कि विधायक का लोकार्पण के नाम पर क्या सही चल रहा है। यहाँ की जनता जानती है कि सिविल अस्पताल उनकी देन है जिसका कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिजली पानी और सड़क की व्यवस्था चौपट है, जिसका हमारी मांग के अनुसार निदान हो, अन्यथा हम बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। पूर्व विधायक बन्ना ने कहा कि महुगंज जिला व बाणसागर के पानी के लिए यहां की जनता प्रतीक्षा कर रही है। वो स्वयं कई बड़े आंदोलन किए, लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी महुगंज आए तो उन्हें महुगंज जिला व बाणसागर के पानी की घोषणा करनी पड़ेगी, अन्यथा हम उन्हें महुगंज जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर जनता के नहीं होकर भाजपा के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। पूर्व विधायक से ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम एपी द्विवेदी, एसडीओपी नवीन कुमार दुबे, डीओपी द्विवेदी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पटेल, महुगंज से इन सभी विभागों से जुड़े मुद्दे पर सीधी बात की, जिस पर अधिकारियों के द्वारा मांग पत्र अनुसार अतिशीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से एसडीओपी नवीन कुमार दुबे के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। हमारी इच्छा रहती है कि किसी को जानकारी मिले या नहीं मिले, पुलिस को जरूर मिले, और रीवा संभाग को पुलिस को मिले, बल्कि मध्य प्रदेश को पुलिस को मिले। तो आप लोग परेशान होने की आज कोई जरूरत आप सबको नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए। छोटी मोटी बातें होगी और कोई खास बात नहीं, लेकिन जब यहाँ आया ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग सच में कोई अपराधी हो और अपराध की बात करने के लिए आपराधिक बात करने के लिए आए, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि हर मुद्दे पर पुलिस सजग, इसके लिए भाई पुलिस को धन्यवाद देता हूं। हमारे कुछ युवा साथियों भाई, जहां पानी भरने की बात है तो मैं तो अनुभागीय अधिकारी से वो बात करूंगा, लेकिन जहां हमारे युवा साथियों ने चाहे आशा आप सब भाई बात भी हुई, लेकिन चुनौती निदान रूप से संकट समझ गया आप, हम फोन एकाध बारी लगाया जाता, लेकिन आप मतलब कहीं रिस्पॉन्स ठीक आता नहीं। आएगा सर, कई जगह लगाने हैं, हैंडपम्प आप करा नहीं रहे हैं, हैंडपम्प कराई नहीं है, मैं अभी बंद करके हैंडपम्पों की जरूरत है, ऐसा नहीं कि हैंडपम्प पूरी तरह से जरूरत है। दो तीन दिन विशेष रूप से आज तीसरी बार जहाँ को इसी बार देखिए 181 किस्में बनी है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। चलिए बड़े अच्छे मौके से आज पुलिस का बैठक था नहीं, मैं इतनी ज़्यादा पुलिस सबको दिखी तो उनको लगता है आज बात करनी चाहिए, तो आप आए बड़ी अच्छी बात है। हमारे सभी महुगंज के भी हैं, कुछ गुना के भी आए होंगे सारी बात, हमारा ये कहना है अनुभागीय अधिकारी भी खड़े हुए कि 181 का काम क्या है, की गंभीरता को और समस्या को देखते हुए आज अनुविभागीय अधिकारी और समस्त विभाग के अधिकारियों से मिलने अपनी बात कहने को आए कि जो इस तड़पती धूप में आम जन पीड़ित है, परेशान है, उसके निदान के लिए ये कार्यक्रम विशेष रूप से आज रखा गया था। इसके बाद ये तो आप जानते हैं कि अगर निदान नहीं होता है तो फिर इसके लिए बड़े आंदोलन होते हैं, होते रहेंगे,
और हर समस्याओं को लेकर। आखिर रही बात पानी बिजली का विषय नहीं होता, जब बातें उठती हैं तो तमाम तरह की बातें। अभी आप सबको मालूम पिपराही में कार्यक्रम था, इसमें छोटे कर्मचारी आशा कार्यकर्ता से लेकर के आंगनवाड़ी से लेकर के ASP कलेक्टर तक भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं, भीड़ जुटाओ आदमी लाओ। अरे बड़ा शर्म आती है कि जो दो दो पैसे भी कर्मचारी अधिकारी तनख्वाह नहीं पाते हैं उनके डंडे डाल करके उनसे पैसे वसूली करके उनसे गाड़ियां करा रहे हो, ये क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप लूटे कर रहे हो। यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लूट पर उतारू आ गई है और पूरे अधिकारी कलेक्टर से लेकर के छोटे कार्यकर्ताओं तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना करके काम लिया जा रहा, ये भी उद्देश्य में शामिल थे। और कल की घटना तो शायद आप लोग वहाँ पर गए रहे हो, देखे हो कि क्या नज़ारा था कि सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों की के माध्यम से सभा कराई जा रही है। और मुद्दा क्या था? अरे वहाँ पर पिपराही में बाणसागर की लड़ाई मैंने लड़ी थी, 40,000 लोगों ने वहाँ पर गिरफ्तारी दी थी, इकट्ठा हुआ था जनमानस, 470 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, उसकी बात वहाँ पर नहीं हुई। अभी 10 दिन पहले वहाँ पर आंदोलन हुआ रोड के लिए, रोड की कोई बात नहीं हुई। बात किस मुद्दे की हो रही है, किस मुद्दे की बात हो रही है? सिर्फ बात वही हो रही है कि हम PM आवास हम दे रहे हैं, हम खास सुरक्षा दे रहे हैं। अरे भैया वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की दी हुई है, और बस पुराने भवन हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरी मंजूर कराई हुई, सिविल अस्पताल मेरी मंजूर कराई हुई, चौराघाट मेरा कराया हुआ, उसकी पोताई झराई करा करके उद्घाटन की तैयारी है, उसी में सारे SP कलेक्टर सब लगे हुए हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ पुराने मकान को एकदम से उसी का नाम बदलो, उसी पर नाम लिखो, उसी को पोतो झारो, नया काम कहीं कुछ नहीं। रहे अभी मऊगंज जिला बनना है यार, बाणसागर का पानी लाना है, कन्या महाविद्यालय देनी है, और भी बड़े बड़े काम है, उद्योग लगने। अरे इनकी बातें करो, केंद्रीय मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, इसका उद्घाटन लोकार्पण करें, कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ पुराने घरों की झराई फुचाई करके उद्घाटन लोकार्पण, यही सब चल रहा है। ये भी सब बातें थी, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके द्वारा बिजली पानी और कुछ नगर परिषद की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, हमने अधिकारियों को बुला लिया है इस संबंध में, ज्ञापन की प्रति इनको दे करके समस्याओं का सीध निराकरण जो है करने के निर्देश दे रहे हैं, ये निराकरण करके अवगत कराए हैं। उनके कुछ आरोप भी हैं, मतलब इस तरह से अव्यवस्थाएँ हैं आवास को लेकर? आरोप लगाना अलग बात है, हमने कहा है कि आप सूची दे दीजिए, जो भी होगा उनकी जांच कर ली जाएगी और जो गलत होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कुछ समय सीमा निर्धारित हुई है क्या कार्रवाई किस बात के लिए? ज्ञापन में नहीं, अभी तो हमने कहा है कि सूची बताइए कहाँ गलत हुआ है, जो सूची आएगी। आपके पास पहले भी शिकायत आएगी आवास में, यहाँ का जो मंडल अध्यक्ष भाजपा मंडल अध्यक्ष, उसने स्वयं लिया, अपने माता के नाम से लिया, उसका दो मंजिला मकान है, उसके पिता शासकीय सेवा में थे, उसको दिया गया। हमने CMO को कहा है इस संबंध में कि इसका परीक्षण करते हुए हमारे सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, और गलत हुआ है जो किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।